जय जिनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गढ़ी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री पारसनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। शिल्पकार का और कंकरों का संवाद चल रहा है। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, दो उदाहरण भी दिए गए और दो कारण भी बताए गए। पहला कारण ये है कि मृदुता से ही हमारा शिल्प निखरता है और आप कठोर हैं, इसलिए आपको मिट्टी से पृथक किया जा रहा है। दूसरा कारण यह भी है कि आप जो है ना, संकर दोष को दूर करना था, इसलिए कंकड़ों के समूह को अलग करना पड़ा। यदि आप जाति और वर्ण की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि दूध की और पानी की जाति अलग है, रंग भी अलग है, फिर भी वे दोनों आपस में मिल जाते हैं। पर कंकर तुम्हारी जाति और तुम्हारा रंग मिट्टी जैसा है, फिर भी तुम नहीं मिल पाते। इसलिए जाति और वर्ण का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, बात मात्र चाल चलन की है, व्यवहार की है। अहंकार का अभाव हो, मायाचारी का अभाव हो, तभी मिलन हो सकता है। मोक्ष मार्ग की कंडीशन ही यही है कि मृदुता हो, सरलता हो, तभी मोक्ष मार्ग पर बढ़ना होता है। पानी का दूध बनना ही वर्ण लाभ है, जो कि वरदान है, और दूध का फट जाना ही वर्ण संकर है, जो कि अभिशाप है। ऐसी बात यहाँ पर कही गई। अब इसके आगे अपन को देखना है कि यदि जात की बात करते हैं, रंग की बात करते हैं, तो दूध में दोनों दूध हैं, एक ही जाति के हैं, लेकिन रंग भी एक सा है, गाय का दूध और कौआ का दूध, लेकिन फिर भी दूध फट जाता मिलने पर। ये समझ में आ गया था, गुण ना मिलें तो वर्ण जाति एक होते हुए भी वर्ण लाभ नहीं होता, बल्कि संकर दोष आ जाता है।
इसलिए आप अपने अहंकार को छोड़ेगा तभी आपको मिलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। कठोरता नहीं छोड़ते, भले तुम मिट्टी की जाति के बने रहो, मिट्टी के वर्ण के बने रहो, फिर भी कंकड़ों तुम्हें मिलाया नहीं जा सकता, तुम्हें अलग ही करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो गुण नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ और भरा हुआ है। आचार्य कहते भी हैं, मानी में क्षमता कहाँ, मिला सके गुण मेल। गुणों का मेल मानी नहीं कर सकता या गुणवान को नहीं मिला सकता, क्यों? नियम है। पानी में क्षमता कहाँ, मिला सके घृत तेल। पानी में वो क्षमता नहीं होती घी और तेल को मिला ले, वैसी मानी आदमी कभी भी गुण मेल नहीं कर सकता, उन गुणों को अपने अंदर प्रकट नहीं करता, इसलिए गुणवानों से मिल नहीं पाता हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि पानी में क्षमता कहाँ, मिला सके घृत तेल, और मानी में क्षमता कहाँ, मिला सके गुण मेल। वह वैसे गुणों को मिला ही नहीं पा रहा, जैसे गुण मिट्टी में है, फिर मिलन की बात कैसे हो, संभव ही नहीं है। अब इसके आगे और कहते हैं प्रश्न नंबर 50 पर कि भाई तुम फूलते भी नहीं हो, मिट्टी तो फूल जाती है, उसके अंदर पानी चला जाता, तुम जलाशय में भी हो फिर भी तुम्हारे अंदर जल प्रवेश नहीं करता, जल धारण की क्षमता आप में नहीं आती, आप हृदय शून्य हैं, आप पाषाण हृदय हैं, अच्छे अच्छों के दुख को देखकर भी आपके सीने में कभी पसीना नहीं आता, ऐसी स्थिति में आपको मिलाया कैसे जाए। फिर भी ऋषि संतों का सदुपदेश सदादेश हमें यही मिला है कि पापी से नहीं पाप से, पंकज से नहीं पंक से घृणा करो, अये आर्य नर से नारायण बनो, समयोचित कर कार्य। फिर भी इतनी सब बात होने के बावजूद भी आपको अभी भी एक ही सलाह दूंगा कि हमारे आचार्यों ने भगवंतों ने एक ही बात कही है, पाप से घृणा मत करो। नहीं, दख तो यही रहा है, आप पाप से घृणा नहीं करते, पापी से करते। आचार्य कहते नहीं, पापी से घृणा करो पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पंक से घृणा करो, पंकज से नहीं। पंक माने कीचड़, कीचड़ के अंदर कमल खिलता है, कमल से घृणा नहीं करना, कीचड़ से घृणा करना है। वैसे ही पापी से घृणा नहीं करना, पाप से घृणा करना है। आज व्यक्ति पाप तो करता है लेकिन पापी से घृणा करता है, पाप से घृणा नहीं करना चाहता, ये बहुत ही विडंबना है, बड़ी विडंबना है, ये मान के चलिएगा। हमारा स्वयं पाप छूटा नहीं, दूसरा पाप कर रहा है तो उसकी आलोचना करने के लिए हम और बैठ जाते हैं। पाप छूटता नहीं, पापी को कोसता है, स्वयं तो दोषों का कोस है और कोसकारों को कोसता है, स्वयं दोषों का कोष बना हुआ है और कोषकारों को कोसता रहता है। जिससे पाप से घृणा हो जाती है उसे पर किसी से घृणा नहीं होती, मात्र घृणित कार्यों से ही उसे घृणा होती है, और जिसे पाप से घृणा नहीं है वो किसी से भी घृणा रख सकता है। जिसे पाप से घृणा हो गई, घृणित कार्य से घृणा हो गई, नियम रूप से वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। और ये बात भी है, दुनिया में सब पापी हैं, किन किन से घृणा करोगे तो बता दो। आप लोग गाते भी हैं, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो, कोई ना कोई संसार में किसी ना किसी प्रकार का पाप करता है, कहाँ कहाँ तक घृणा करोगे। दुनिया से घृणा करके कौन प्रेम पा पाया है, खेत में बबूल बोकर किसने आम चाखा है, पूरे खेत में बबूल बो दिया, आम कहाँ से चखने को मिलेगा। दुनिया भर से घृणा करके बैठे हो, प्रेम कहाँ से पाओगे ये तो बताओ, पूरे खेत में बबूल हैं,
आम कहाँ से खाने को मिलेगा, इसलिए आप किससे घृणा करना चाहते हो? आचार्य कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। चार बातें आपके सामने रख रहा हूं। पहली है घृणा, दूसरा है प्रेम जो आप लोग करते हैं, तीसरी है निंदा, चौथी है प्रशंसा। ये चार कितनी बातें बताओ, यहाँ कौन है जो ये नहीं करता हो? घृणा भी करता है, प्रेम भी करता है, निंदा भी करता है और प्रशंसा भी करता है। इन चार बातों को समझने की बहुत आवश्यकता है आज के युग में। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने से पहले इन चार चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। धर्म की शुरुआत करने से पहले आपके लिए इन चार चीज़ों को समझने की आवश्यकता। घृणा, घृणा नाम सुनते ही आपकी नाक सिकुड़ जाती है, पर घृणा किससे बोलो? पाप से, पापी से नहीं। ये सबसे पहला पॉइंट है। जीवन में उन्नति चाहते हो तो अपराध से घृणा करो, अपराधी से कभी मत करो, तभी उसका अपराध छूटेगा। यदि उसने घृणित समझकर आपने छोड़ दिया तो क्या होगा? दूसरा प्रेम, प्रेम धर्म से करो, धर्मात्मा से करो, शरीर से और पदार्थों से मत करो। हमें प्रेम शरीर और पदार्थ से हो रहा है, धर्मो धर्मात्मा से नहीं। इसलिए कहना पड़ता है ये संसार के पदार्थ या वस्तुएं इसलिए बनी थीं कि हम इनका इस्तेमाल कर सकें, और इंसान इसलिए बने हैं कि हम उनसे प्यार कर सकें। पर उल्टा हो गया, वस्तु और पदार्थ से हमें प्यार हो गया और इंसान का हमें इस्तेमाल हो गया। इंसान को तो हम इस्तेमाल करते हैं और वस्तुओं से प्रेम करते हैं। यह दशा चली आ रही है हमारी। इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम करना हो धर्म और धर्मात्मा से करिएगा, वस्तुओं से मत करिएगा, पैसे से मत करिएगा, पदार्थ से मत करिएगा। दहेज क्या चीज है? और दहेज नहीं मिला तो रुष्ट क्यों? क्योंकि प्रेम किससे, पदार्थों से है कि हाँ। देहज चाहिए कि दहेज चाहिए? देहज समझते हैं आप, जो देह से उत्पन्न हो। बेटी देह से उत्पन्न है, देहज था वो, दहेज बना दिया तुम लोगों ने, वो देहज दे रहे हैं। वो समधी है, वो समधन है। समधी किसे कहते हैं? समधी किसे कहते हैं? अभी तक आप समधी जी नहीं बने क्या, इसलिए आपको पता नहीं होगा। कोई तो समधी बना होगा एकादश में से। किसे कहते समधी? धी माने होता बुद्धि, जिनकी समान बुद्धि हो सब कौन है? समधी। और समधन, जिनके पास समान धन हो। हमारे पास बेटी है, तुम्हारे पास बेटा है, तुम भी समधन, हम भी समधन। तुमने बेटी दी, हमने बेटा दिया, बोलो ना। अब कौन सा धन चाहिए आपको? समधन को धन क्यों चाहिए जब समान धन है? तो सबसे ज्यादा बड़ी मांग महिलाओं की रहती है सासु जी की, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जब समधन बन गई हो और वो भी समधन है, तो उनका धन लेकर उन्हें गरीब करना चाहते हो क्या? कहते भी हो ये तो हाथों का मेल है। धन को क्या बोलते हैं आप लोग? तो फिर सासू की हाथों का मेल खाओगे क्या, कि उनकी हाथों की रोटी खाओगे? बोलो ना। जो दहेज लेना चाहते हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, हाथों का मेल, दूसरे के हाथों का मेल खा के क्या करोगे? एक बहुत अच्छी कहानी पड़ी थी दहेज के बारे में। एक सज्जन थे, उनके यहाँ बेटा भी था, बेटी भी थी। बेटा की शादी हुई, सुन रहे ना, तो बहुत खुश।
मित्र ने पूछा, भाई जब से तुम्हारे बेटे की शादी हुई है बहुत खुश रहते हो? बोले, क्या करें, हम तो मांग रखते हैं बेटे के ससुराल से आ जाता है। बोले, ये जो है ना बेटे के ससुराल वाले, मतलब लड़की वाले जो होते ना, वो तो निवुआ की भांति होते हैं, जितना मस्को ना उतना निचोड़ लो, जितना रस निकलता है, समझ रहे ना। दूसरे का रस निकालने में आदमी को बहुत रस आता है, जब खुद का निकलने लगे तो समझ में आता है। तो वह जो बेटा वाला था बहुत खुश, हम तो नींबू समझते हैं और जब ताहो तब रस निकाल लेते हैं। बस कुछ दिन बाद बेटी की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, उदास दिखने लगे, वे और बड़े वाले निकले, उनके पास तो मशीन ही होगी रस निकालने की, पर नींबू का नहीं निकालते थे, वो गन्ना का निकालते थे। समझ गए ना। मित्र ने बोला, भाई जब से तुम्हारी बेटी की शादी हुई है बड़े उदास लगते हो। बोले, क्या करें, पहले मांगा था तो हमने फिर भी दिया, फिर मांगा फिर भी दिया, फिर मांगा, फिर अब और मांग रहे हैं। बोले, क्या करें भैया, जैसे तुमने उन्हें निब्बू समझा था वैसे उन्होंने तुम्हें गन्ना समझ लिया है और कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? आ गई महाराज, यही कहना चाहता हूँ। प्रेम किससे, पैसों से या व्यक्ति से, पदार्थ से, वस्तु से या व्यक्ति से, धर्म और धर्मात्माओं के प्रति प्रेम नहीं होगा तो हमारा जीवन मृत प्राय हो जाएगा। इसे धर्म और धर्मात्माओं से प्रेम होना चाहिए ताकि हम इसको समझ सकें। तीसरी बात, निंदा। आचार्यों ने कहा है, जितनी बन सकी उतनी निंदा करो, पर दूसरों की नहीं, खुद की करो। मंदिर में दोष देखने नहीं आना, कभी देव दर्शन करने आना। हाँ, और उससे आगे बढ़ जाओ तो निज दर्शन करना, पर कभी दोष दर्शन तो करना ही नहीं। जिन दर्शन से निज दर्शन हो, कभी दोष दर्शन ना हो। दोष दर्शन हो तो खुद की। दुनिया में सबसे बड़ा साहस का काम कौन सा है? ये तो हमें भी पता है, आपने किया कभी ये काम की नहीं। सबसे चैलेंज पूर्ण कार्य यदि कोई है तो अपने दोष देखना है और अपने दोषों को दूर करना है। दूसरों को दोष देखना, दोष लगाना, ये तो सहज काम है। ये तो नीच लोग भी कर लेते हैं, अनपढ़ भी कर लेता है, पापी भी कर लेता है, हत्यारा भी कर लेता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपने किसी के दोष देख लिए, दूसरे के दोष बता दिए तो। कठिन कार्य करो, और कठिन कार्य वो है अपने दोषों को देखना। कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने दोष देखना शुरू कर लिए, समझो अपने प्रति वह वफादार हो गया, और जिसने दूसरे के दोष देखे, समझो अपने प्रति लापरवाह हो गया। आप यदि वफादार हो, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करो, नितर तुम कहने लगोगे हमारे अंदर कोई कमी ना है, क्योंकि हमारे अंदर एक, फिर क्या करोगे? मूक माटी के शब्द बोल रहा हूं मैं तो, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, इतना आप बोलोगे महाराज ऐसे शब्द बोल रहे हैं। शिल्पकार जो कह रहा है वो बात मैं कह रहा हूं कि सोचो, हमें निंदा किसकी करना, स्वयं की करोगे तो उच्च गोत्र मिलेगा, दूसरे की करोगे तो नीच गोत्र मिलेगा। ऐसे कार्य क्यों करें जिससे नीच गोत्र का बंध हो? ऐसे कार्य करो जिसमें उच्च गोत्र हमारे लिए प्राप्त हो। उच्च गोत्री को सम्मान हमेशा मिलता, नीच गोत्री को कभी सम्मान नहीं मिलता। आदमी ऊपर से सम्मानित है पर अंदर से, अरे तो फलाना है, ये तो ढिकाना है, ऐसे मन में रखता है वो। इसलिए कहना चाहता हूँ कि निंदा करना चाहो तो अपनी निंदा करो, दूसरे की नहीं करो। दूसरे की निंदा करने से कुछ भी नहीं मिलता, दूसरे की निंदा करने वाला तो निंदक और आग की एक ही होत है जात। औरों को तो शुद्ध करें, स्वयं राख हो जात। निंदक और
आग दोनों एक से हैं, दूसरे को शुद्ध करने में लगी रहती हैं और स्वयं राख राख हो जाते हैं, स्वयं का जीवन बर्बाद हो जाता है। आग क्या करती, सोने को शुद्ध करती है, स्वयं राख राख हो जाती है। निंदक क्या करता है, दुनिया की सफाई करता रहता है और स्वयं राख राख। देखा आपने उसे क्या बोलते हैं जो झाड़ू लेकर के घूमता रहता है रोड पर? नहीं, शुद्ध हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, जो कुत्ता भी ले जाता है मर जाए तो, दो शब्दों में बोलते आप लोग क्या बोलते? हाँ, अब हम नहीं बोल रहे, तुमने बोल दिया, जो से बोलो ना। हाँ, क्या बोलते उसको? भंगी। समझ गए ना? इसी प्रकार से जो व्यक्ति दूसरे की कुत्ता करोड़ता रहता है, दूसरों को दोष देता रहता है, दोष देखता रहता है, वह सच्चा वो तो मात्र नाम का है। सच्चा तो वो है, निकृष्ट तो वो है जो हमेशा दूसरे की दोष रूपी कुत्तों को मरे उठा के यहाँ के वहाँ पटकता रहता है, ये करता रहता है, दूसरे के घर में सफाई करता रहता है, दूसरे की नालियों की सफाई करता रहता है। अपने घर की करो ना। वो कौन होता है जो आपके कपड़े धोता है? और ये तुम आप अपने आपके कपड़े धो तो धोबी नहीं कहलाओगे, क्या कहलाओगे? साहूकार ही कहलाओगे, सेठ जी कहलाओगे। पर जो दूसरे कपड़े धोने लगे वो धोबी। जो अपने दोस्त देखे सो साहूकार, जो दूसरे के धोए दोस्त देखे धोए तो उसी में लगा रहे तो बोलो ना धो भी। हम भी धोबी क्योंकि हम धोते रहते। ये कार्य समझो। निंदा करना तो किसकी करना? स्वयं की। प्रशंसा करना तो दूसरे की करो, खुद की नहीं। जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा कर रहा है समझो वो अज्ञानी है। वह समझो अपनी ही गति में, अपनी ही प्रगति में रोड़ा है। अपनी प्रशंसा करने वाले के पास कभी गुण नहीं आते, जो गुण होते हैं वो और समाप्त हो जाते हैं। अपनी प्रशंसा करते, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, क्यों करके तू दुनिया में आता है, क्या करके तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया था और हाथ पसारे जाएगा। क्या लाया था? कपड़े परिजनों ने पहना दिए, जायदाद पिताजी की हो गई, शरीर शमशान की दौलत हो गई। बोलो ना तुम्हारा क्या है, किस अस्तित्व में जी रहे हो तुम, थोड़ा बता तो दो। तो प्रशंसा जब भी मौका मिले तो अपनी नहीं करना, हो सके तो सामने वाले की करने का प्रयास करना। घृणा पापी से नहीं पाप से करो, प्रेम वस्तु से नहीं व्यक्ति से करो, अर्थात धर्म और धर्मात्माओं से करो। निंदा स्वयं की करो, दूसरों की नहीं करो। प्रशंसा दूसरों की करो, स्वयं की मत करो। ये चार चीजें यदि आपके जीवन में आ जाती हैं, आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाता है, बहुत निर्मल और पवित्र बन जाता है। आप धर्म मार्ग में प्रवेश करने लायक बन जाते हैं, आप सदाचारी बन जाते हैं, एक सच्चे पुजारी बन जाते हैं, और मैं तो कहता हूँ एक सच्चे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बन जाते हैं। इतने करने की आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं है, पर हमारे साथ विपरीत होता है, इसलिए हम मिथ्यात की ओर बढ़ जाते हैं, इसलिए अधर्मात्मा हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं। ये है महाराज। अब सामने वाला कोई पाप है, पापी है, उससे हम प्रेम करेंगे तो और पाप नहीं बढ़ाएगा क्या? प्रश्न ये उठता है, प्रेम करने का मायना क्या? उससे घृणा करोगे तो क्या होगा? वहां पर गंदगी पड़ी है, हर एक व्यक्ति ये सोच करके निकल जाएगा तो पड़ी रहेगी कि नहीं पड़ी रहेगी? उसे साफ करने किसी को तो जाना पड़ेगा ना। ऐसे ही पापी के पास बैठना तो पड़ेगा, घृणा करने से क्या होगा, उसे समझाना तो पड़ेगा। कुछ लोग कहते ना महाराज आपके पास ऐसे ऐसे लोग बैठ जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर और साधु में भेद मत करना। जैसा डॉक्टर होता है वैसा साधु होता है। डॉक्टर स्वस्थों का इलाज करता है कि मरीजों का? पर कुंतु सागर जी पापियों को सुधारे कि धर्मात्माओं को? तय कर लो आप,
कोई इतना धर्मात्मा है तो जाए आचार्य के पास और दीक्षा धारण कर ले। यहां उपदेश किनको है? ये धर्म प्रेमी बंधु, ये उपदेश किसको है? पापियों को। सुन रहे हो धर्म प्रेमी बंधु, ये किसको है? धर्म प्रेमी बंधु हो अभी तुम, धर्म नहीं है, पाप नहीं छूटा अभी, धर्म से थोड़ा प्रेम हुआ है, इसलिए पापियों के लिए ही, ताकि वो पाप छोड़ सकें। यदि उनसे घृणा करेंगे तो फिर क्या होगा? एक बार किसी ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी किसी का पाप छुड़ाना हो तो क्या करना चाहिए? आचार्य ने सबसे पहला पॉइंट दिया, मेमोरी फीड कर लो आप, यदि किसी के पाप छुड़ाना चाहते हो तो सबसे पहले उसके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करो, क्योंकि आदमी किसी की माने ना माने मित्र की जरूर मानता है। मित्रता पूर्वक व्यवहार करो आप उससे, उसे अपना बनाओ, उसे ऐसा ना लगे कि हमारे दोस्त देख रहा है, ये तो अपना है। अपनापन दे करके आप उससे दोष छुड़ा सकते हो, अन्यथा नहीं। जैसे कि दुकान पर आप बड़े सरल व्यवहार करते हो, दुकान पर आप बड़ी मृदुता नम्रता के साथ व्यवहार करते हो, क्योंकि आपको दुकान चलाना है ना, एक नाती है तो अभी दद्दा बोल करके साथ दद्दा ले तो जाओ। ऐसे ये मोक्ष मार्ग है, यहाँ पर भी सरलता से नम्रता से ही अपनी दुकान चलाई जाती है। धर्म की दुकान, मोक्ष मार्ग की दुकान कठोरता से नहीं चलती। पापी को भी समझाने का तरीका होता है। तब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके हाथ में चाकू है, वह नहीं जानता इससे क्या होता है, स्वयं का भी घात कर लेगा और दूसरे का भी। माँ जानती है बच्चे से चाकू कैसे छुड़ाया जाता है। माँ एक लड्डू लाएगी, जैसे हम धर्म सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, पाप छुड़ाने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताना पड़ती है उसको, उसके प्रॉफिट बताना पड़ते हैं, देखो धर्म करोगे ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, वैसा होगा। तो माँ पहले लड्डू लाती है, ले बेटा देखो देखो जैसे वो हाथ ऐसा करता है, माँ चाकू वाले हाथ के पास जाती, उसके लड्डू देती तो धीरे से चाकू छुड़ा लेती है। उसके हाथ में क्या आ गया, उसका उपयोग कहाँ आ गया, लड्डू में। तो चाकू अपने आप, उसे मालूम ही नहीं कि मेरे हाथ में चाकू था, पूछा बाबा ले गया बस, और उसे लड्डू पकड़ा दिया जाता। इसी प्रकार से कोई पापी है, उसे कोई ऐसी अच्छी चीज दिखाओ, ऐसी रुचि जगाओ उसकी धर्म में, पूजन में, स्वाध्याय में, किसी चीज में, ताकि वो भूल जाए कि मैं पाप भी करता था। ये तरीका होता है सामने वाले को समझाने का। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, और वह उदाहरण है बेगमगंज का। एक सौरव नाम का लड़का आता था हमारे साथ, एक महाराज जी और थे, पूज्य पशुधन सागर जी महाराज। सौरव खाता था तमाखू, उन्होंने उसको निगलेक्ट कर दिया, नहीं तो तमाखू खाते हो। हमने कहा नहीं तुम आहार मत देना, लेकिन भैयावती में जरूर आना, जब हम जंगल जाते हैं घूमने के लिए उस समय आना। आने लगा, बस आहार के समय हम देखेंगे, सिद्धांत तो समझौता नहीं है, बाकी प्रवचन में आ सकते हो, बाकी समय आ सकते हो, ठीक है महाराज जी। आने लगा आने लगा, उसके यहाँ पड़गान हुआ, उसके मन में भावना जागी कि महाराज मैं भी धोती दुपट्टा पहन लूँ क्या, अब थोड़ा सा भैयावती करता था, आता जाता था, तो अब परिचय तो हो ही जाता है। हमने कहा कहने लगा महाराज जी एक काम करते हैं, हम दो दिन के लिए छोड़ देते हैं। पर कहते महाराज हम एक हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं। हमने कहा आ जाओ। उससे पानी ले लिया लास्ट में, एक अंजलि है ना ले करके, बस खुश हो गया। आज तो महाराज जी, महाराज जी हमारा तो काम हो गया। हमने कितने में काम हो गया, ये तुमने गलती की, हमें तो उसे पानी नहीं लेना था, आहार की भाव रखो अब। ठीक है महाराज जी,
आज के बाद तम्बाकू का आजीवन त्याग। पूज्य प्रवचन सागर जी के ग्रस्त जीवन का भतीजा, उनकी माँ भी अंकुर कॉलोनी में रही थी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए। आचश्री का वहाँ पर आगमन हुआ, पंचगणक हुआ, एक महीने रहे आचश्री, उनके मम्मी पापा माता पिता बन गए, उनकी बहन को ब्रह्मचर्य व्रत हो गया और उसके मन में भी आया, उसने भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। इतने ही नहीं, आगे बढ़कर के आचार्य के कर कमलों से दीक्षा हो गई मुनि श्री निर्मद सागर जी महाराज। कौन से महाराज? निर्मद सागर जी महाराज, बीगमगंज के। समझ में आ रहा आपको? घृणा किससे करना है? पाप से, पापे से नहीं। आप जैसे चाहो सामने वाले को ढाल सकते हो, बस प्रेम एक ऐसा तरीका है किसी के भी दोष छुड़ा सकते हो, प्रेम के माध्यम से, घृणा करके नहीं। आपके पति हों, आपके भाई हों, आपके पिताजी हों, प्रेम ऐसी मार है कि आदमी हर कुछ कार्य करने के लिए तैयार हो सकता है। घृणा एक ऐसी चीज है, क्रोध ऐसी चीज है, आदमी यदि उल्टा कार्य नहीं कर रहा होगा तो करने लगेगा। इसलिए प्रेम से सामने वाले को अच्छी तरह से रास्ते पर ला सकते हो, व्यंग करके नहीं, बुराई करके नहीं। बरेली की बात है, मैं बरेली में था 2009 में, ये 2008-07 की बात थी, 2009 में। वो भी सज्जन अच्छे से हैं, वो सज्जन क्या करते थे, शराब पीते थे, लेकिन उनमें एक बहुत अच्छी आदत थी, जिस दिन अभिषेक करते थे उस दिन शराब नहीं पीते थे, इतना उसमें विवेक था। सोचो आप, क्या विवेक था कि जिस दिन मुझे अभिषेक करना उस दिन तो रोज हमारे पास आते, लोगों की शिकायतें आती, हमने किसी को नहीं सुना, क्योंकि मैं तो आचार्य विद्यासार को सुनता हूं, हर किसी को नहीं सुनता। वो आ रहा है, आने दो, कोई बात नहीं, बैठता रहा सब कुछ। अब एक दिन सब चलेगा, अकेला वो ही बचा। हमने कहा क्यों भाई, तुम तो रोज आते हो। जी महाराज जी, हाँ अभिषेक भी करते हो, हमें सब जानकारी है, किसी ने कान में सब सुना दी, सब मालूम पड़ गई। हमने कहा तुम अभिषेक भी करते हो? हाँ महाराज जी। कब करते हो? अष्टमी चतुर्थी। हमने कहा ठीक है। हम दो ही दिन क्यों करते हो? कुछ नहीं बोला। कोई कमजोरी है क्या? जी महाराज जी। क्या कमजोरी है? पीता हूँ। हमने कहा तो सभी पीते हैं, कोई पानी पीता, कोई जूस पीता है। नहीं महाराज जी, मैं कुछ लेता हूँ। अच्छा, तो हमने कहा एक काम करो, रविवार रविवार तुम और शुरू कर दो पूजन। कहने लगा महाराज जी, आज तक हर किसी ने हमें निगलेक्ट किया है, व्यंग किया है, चालनों के सामने उल्टा सीधा बोला है, पहले साधु हैं जिन्होंने प्रेम से हमें समझाया है, आज के बाद मैं रोज अभिषेक करूँगा, कभी शराब नहीं पीऊँगा। पहली बार है आपने इतने प्रेम से हमें समझाया, नहीं तो लोग शराबी कहकर के हमें धुतकार देते थे। और वो दिन है, आज का दिन है, मैंने और किसी से नहीं पूछा, उनकी पत्नी से पूछा, उन्होंने कहा महाराज जी रोज अभिषेक करते हैं, उनका शराब का पूर्ण त्याग हो चुका है। ये है प्रेम की मार, ये है सामने वाले के दोष छुड़ाने का तरीका। क्या आप जन्म से धर्मात्मा थे? क्या पहले जन्म में आप धर्मात्मा थे? बोलो ना, आप भी तो किसी साधु की संगति में आए होंगे। ये बात अलग, किसी का पाप बाहर दिखता है, किसी का अंदर रहता है। पापी तो सब हैं, प्रकट हो गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। पर उसे प्रेम से सही रास्ता दिखाया जा सकता है। जहां पर कोई शस्त्र काम नहीं करता, वहां पर प्रेम काम करता है। सब शस्त्र फैल हो जाए, प्रेम से आदमी से आप कुछ भी करा लेते हो, करा सकते हो। डांट करके नहीं करा सकते आप, क्रोध में नहीं करा सकते, हुकूमत जमा कर नहीं कर सकते, अधिकार पूर्वक नहीं करा सकते, वो काम आप प्रेम से कर सकते हो। क्यों नहीं सुधरेगा वो? कोई जन्म से पापी नहीं होता, कर्म से होता है। यदि कर्म अपना आया है तो छूट भी सकता है। ये छुड़ाने का हमारे पास तरीका होना चाहिए। हाँ, सामने वाले की परिस्थिति हो सकती है, कब कैसे उसने अपना लिया, वातावरण को देख करके अपना लिया,
उसे आप घृणा की दृष्टि से नहीं देख सकते, उसकी व्यवस्था है, कम से कम धर्म पर आस्था तो रख रहा है, आ तो रहा है। अरे भैया देखो तो ये बीड़ी पीता है और अभिषेक करता है, ये तो सोचो इतना होने के बाद भी अभिषेक की भावना तो उसके अंदर भी पैदा है, अगर समाप्त नहीं हुई इतना तो सोच लेते तुम, फिर बाद में समझा देते भाई ऐसा नहीं। जो नाखून पॉलिश लगाते हैं उन्हें सोचना चाहिए हम तो और बड़ा पाप कर रहे हैं, जीवों की हिंसा साक्षात कर रहे हैं। बीड़ी पीसने से खतरनाक तो क्या है, नाखून पॉलिश लगाना, ये क्या है लिपस्टिक लगाना, तो सीधा खून ले रहे हो, इसका पहले त्याग करना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा, वेशन और फैशन ये अपनाए जाते हैं, जब अपनाए जाते हैं तो छोड़े भी जाते हैं, आप छोड़ सकते हो पर एकदम नहीं, प्रेम तरीका होता है। अभी हम एक जगह पड़गहन हुआ, छोटी बच्ची है, नाखून पॉलिश पहन लगाए थे, हम लौट आए, शिक्षा देना थी कि देखो हम नाखून पॉलिश, दूसरे दिन गए उन्होंने छोड़ा लिया, हमने आहार लिया पर उनसे त्याग करवा दिया, खुश हो गए। बच्चे हैं, तरीका होता है समझाने का, ऐसा थोड़े कि नहीं चलो जाओ अब तुम ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं। इसी प्रकार से जो दोष करता है वो बच्चों की तरह ही तो होता है, फिर उनसे ज्यादा आहार लिया हमने बच्चों से, क्यों, क्योंकि उनको ऐसा ना लगे कि देखो महाराज जी हमारे कारण ऐसा हो गया, फिर उनकी आस्था चली जाए ना आए फिर कैसे होगा। तो एक तरीका है धर्म मार्ग पर लगाने का, जब तक ज्ञात ना, अच्छे सुनना, बहुत छोटी सी कविता है पर तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा हमने कब समाप्त कर दी। जब तक सही तरीका ज्ञात ना हो तब तक ना मिले तरीका, हो गई कविता, क्या समझे क्या समझे। जब तक तरीका ज्ञात ना हो, जब तक ना मिले तरीका, तरीका मतलब बुंदेलखंड में तरीके से बोलते भीतर अंदर का, जब तक तरीका ज्ञात ना हो तब तक ना मिले तरीका। यदि तरीका चाहते हो, अंदर का चाहते हो, किसी की तरी जानना चाहते हो, तरी बोलते ना आप लोग गहराई, तो तरीका होना चाहिए उसकी गहराई में जाने के लिए, उसकी गहराई की बुराई छुड़ाने के लिए। गहराई की बुराई बिना तरीका के छूट ही नहीं सकती, ये तरीका हमारे पास होना चाहिए। हमारी घृणा पाप से, पापी से नहीं है, पाप छूट गया ठीक है, हम उसको वही दृष्टि से देख रहे। अंजन चोर तो निरंजन बन गया, अभी भी यही कह रहे अंजन चोर की कहानी सुनाओ महाराज जी, वो तो निरंजन बन गया, मोक्ष चला गया, फिर आज कौन सी कहानी प्रसिद्ध हो गई अंजन चोर की, क्या करे दुनिया है, दुनिया की अभी सोच अंजन चोर पर टिकी है। पर अंजन चोर तो अलख निरंजन बन गया, अलख माने लख माने पाप से रहे, तो निरंजन माने रंजन माने ये रज पाप इन सब से दूर हो गया, वो तो कल्याण कर गया। तुम कोसते रहो तो क्या होता है, कितने पापी जो पाप छोड़ करके कल्याण कर गए, क्यों, गुरुओं का सानिध्य मिला। हम लोग कोई जन्म से धर्मात्मा नहीं थे, स्वादशील नहीं थे, वो तो परिवार का वातावरण गुरु का सानिध्य मिला, सो यहां पर आकर के बैठ गए और धर्म ध्यान कर रहे हैं। यदि गुरु ने हम लोग को प्रेम ना दिया होता, वात्सल्य ना दिया होता तो कभी यहां पर होते। आप भी अपने बच्चों को परिवार को वात्सल्य के साथ जोड़ने का प्रयास करिएगा। ये मत सोचिए तो ये ऐसा करता है, ये तो ऐसा करता है, अरे कसाई के उदय में कौन नहीं कर लेता, पाप के उदय में कौन नहीं कर लेता, तो सुधर सकता है समझ सकता है। नहीं महाराज कुछ तो ऐसे होते हैं सुधरते ही नहीं हैं, उनकी बात अलग है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तव, जो विपरीत मार्ग पर बार बार चलते समझाने पर भी उनसे मौन हो जाओ, फिर उनकी बुराई भी मत करो, मौन होने में फायदा है, ना राग रखो ना द्वेष रखो, हाँ ठीक है जैसा है बताए कैसा बताएं आपको, वो बार बार गलती कर रहा है आ रहा है ना उस, वो ऐसा खुश हो गया आशीर्वाद दे वो समझे हम अच्छा कर रहे, उसे घृणा करोगे ठीक नहीं, वो समझ जाता है, नहीं समझ जाते, समझ जाते अच्छी तरह से कि क्या परिणति है क्या नहीं है। तो यही कह रहे हैं हम आपसे कि आप अपनापन अपना करके किसी की बुराई को छुड़ा सकते हैं, दूसरी चीज वो बुराई आप में ना हो तो ठीक है। और पांच पाप अपने पास हैं और हम दूसरे के पापों का व्याख्यान कर रहे कैसे, स्वयं स्वस्थ रहते हुए
दूसरे स्वस्थ हों ऐसी भावना भाव, स्वयं स्वस्थ रहते हुए दूसरे स्वस्थ हों ऐसी भावना भाव, स्वयं सुखी रहते हुए सभी सुखी हों ऐसी भावना भाव, स्वयं धर्म करते हुए दूसरे धर्म करें ऐसी भावना भाव, स्वयं पाप से दूर रहते हुए दूसरे पाप से दूर हों ऐसी भावना भाव। लेकिन पहले स्वयं दूर रहने का प्रयास करो, जो बुराइयां स्वयं में हैं फिर किसी की गहराई में मत जाइएगा, पहले अपनी बुराई को छोड़िएगा फिर किसी की गहराई में जाने का प्रयास करिएगा। ये तरीका यदि आ जाता है तो महत्वपूर्ण है। कुंभकार यही कहना चाहते हैं, हे कंकरो हम तुमसे घृणा नहीं कर रहे, हमें तुम्हारी कठोरता से घृणा है, तुम्हारी मायाचारी से घृणा है, ना कि तुमसे। तुम तो मिट्टी से अच्छे दिख रहे हो लेकिन क्या करें, तुम्हारे अंदर कठोरता है। हमें ऋषियों ने संतों ने यही सदुपदेश दिया है, यही सद आदेश दिया है, यही हमारे लिए आदेश दिया है, आपके लिए ये करना है। अर्थात उन्होंने ये आदेश दिया है कि आप पाप से घृणा करो, पापी से मत करो, यही उन्होंने उपदेश दिया, यही आदेश दिया कि आप कमल से पंकज से घृणा मत करो, पंक माने कीचड़ से घृणा करो। ये बात भी सही है, बिना कीचड़ के कमल खिल नहीं सकता, पर यदि कमल कीचड़ से लिप्त हो गया तो कमल नहीं रह सकता। ऐसे साधु बिना समाज के रह नहीं सकता, पर उसमें हिल मिल गया तो फिर साधु रह नहीं सकता, उसी पृथक रहना पड़ता है तभी काम चलता है। तो करे पापी से नहीं, पाप से घृणा करो भैया, यदि आपके अंदर सूत्र है तो बहुत कुछ प्रगति कर जाओगे। दूसरे के प्रति गिला क्यों रखते हो, क्यों आप इस प्रकार के बैर भाव रखते हो? क्योंकि पाप तो संयोग से आता है, जब पाप का संयोग मिलता है तब आदमी पापी बनता है, और पाप छूट जाए तो पुनः वह स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार कमल से नहीं कीचड़ से घृणा करो, और क्या करो इसके आगे कह रहे हैं, मनुष्य से भगवान बनने का पुरुषार्थ करो, नर से नारायण बनने का समयोचित समय पाकर के, उचित समय पाकर के अपना कल्याण करने की भावना भाव। जो अपने कल्याण में लगा रहा रहता है वह दूसरे के दोषों को देखने के लिए नहीं जाता। एक बार मैंने सोचा चलो दोष देखे जाएं, और मैंने अपने आप से एक कार्य प्रारंभ किया, पहले अपने दोष देख लिए जाएं फिर अपन चलते हैं किसी और के दोष देखेंगे। मेरे मन में दोष देखने का भाव आया और मैंने यह कार्य अपने से प्रारंभ किया, मुझ में इतने दोष नजर आए कि मैं आज तक बाहर देखने के लिए निकल ही नहीं पाया। बुरा जो देखनो में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा आपना मुझसे बुरा न कोई। किसी कवि ने दो पंक्तियां लिखी, वही बात मैं कहना चाहता हूँ, अपने दोषों को देखने का थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिएगा, साहस दिखाइएगा। साहस और दुस्साहस क्या है? दूसरे के दोष देखना दुस्साहस है और अपने दोष देखना साहस है। आप दुस्साहस करते हैं कि साहस करते हैं, बोलो ना। आप पाप करते हैं कि पुण्य करते हैं? दूसरे के दोष देखना पाप है और अपने दोष देखना पुण्य स्वरूप है, क्या करना चाहते हो? दूसरे के दोष देखने का अर्थ नर से नार की बनने की तैयारी, और स्वयं के दोष देखने का अर्थ है नर से नारायण बनने की तैयारी। हम कौन सी तैयारी में लगे हुए हैं? अभी तो हमारा शरीर की तैयारी में लगे हैं, घर की तैयारी में लगे हैं, परिवेषण की तैयारी में लगे हैं, उसके साथ साथ कौन सी तैयारी चल रही है, नर से नारायण बनने की या नर से नार की बनने की? हमारे लिए घृणा पाप से करना है बंधु, पाप इसे नहीं करना, हम नर से नारायण बनेंगे, समयोचित यही कार्य करिएगा। और क्या करें अभी तक? आप जब स्वर्गों में थे तब यही भावना भा रही थी, मनुष्य बनूंगा, जिन धर्म मिलेगा गुरु मिलेंगे कल्याण करूंगा। गरि हो जन्म द्वारा
मानव जन्म मिले। फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले। फिर से यही जिनालय जिनागम शरण मिले। गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले। फिर से यही जिनालय गुरुवर शरण मिले। ये भावना तुमने स्वर्गों में भाई सब भूल गए यहाँ आकर के। आप नॉन तेल लकड़ी तीनों चीजें याद रहीं, बाकी सब भूल गए। यही आपने वहां सोचा था, हमारा जन्म हो तो मानव जन्म मिले और यही जिनालय यही जिनागम यही गुरु मिले ताकि हम अपना कल्याण कर सके। फिर कविता याद आई, जो बीता है उसी का नाम कविता है, जो जो मुझ पर बीता है उसी का नाम कविता है। और मैं कुछ नहीं लिखता, जो बीता वो लिखता हूं। स्वर्ग से आई थी आत्मा इस धरा पर बनने को परमात्मा। स्वर्ग से आई थी आत्मा इस धरा पर बनने को परमात्मा, पर इस धरा पर मिल गई उसे पंचिंद्री विषयों की मिठाई। पर इस धरा पर उसे मिल गई पंचिंद्री विषयों की मिठाई। इस मिठाई में ही रम गया आत्मा और परमात्मा बनने से चूक गया आत्मा। हो गई कविता, ये तो बीता है। क्या आपके ऊपर क्या बीता बोलो ना, ये आपकी कविता है, मैंने सुना दी। स्वर्ग से आई थी आत्मा धरा पर बनने को परमात्मा, पर इस धरा पर मिल गई उसे पंचिंद्री विषयों की मिठाई और मिठाई में ही रम गया आत्मा और परमात्मा बनने से चूक गया आत्मा। विषयों की मिठाई, नाना चाचा दादी काकी पत्नी बेटे, ये सब मिठाई है। नई नई आइटम मिल रहा है उसको, कहीं बंबई की, कहीं सागर की, कहीं दिल्ली की, कहाँ की मिठाई, ये सब लेकर के बैठा। इसमें भूल गया, सब भूल गया कि मेरा उद्देश्य परमात्मा बनने का था। आए थे हरि भजन खो ओटन लगे कपास। अरे वाह, आप लोगों को सब पता है। हम सोच रहे फिर हम फालतू में उपदेश दे रहे हैं आप लोगों को, जब सब पता है आपको। समयोचित, ये उचित समय है भी आपके पास। अब प्रतीक्षा मत करो, मनुष्य पर्याय से उचित और कोई समय नहीं होता आत्मकल्याण करने का। देव संयम ले नहीं सकते, नारकी सवाल ही नहीं उठता, त्रेंचो में अनुव्रत होता एक आप ही हो। मनुष्य जो महाव्रत ले सकते हो, आत्मकल्याण कर सकते हो। अभी तीन तीन सल लिखनाएं हुई, जो अभी लास्ट में सल लिखना हुई वो उनकी नानी थी ना राहुल कलेक्टर की, वो तो इतनी दृढ़, पानी लेने तैयार नहीं। और आधा घंटे पहले अच्छी तरह से चारों प्रकार के आहार का त्याग किया सचेत अवस्था में, और बस अपने शरीर का त्याग किया। आत्मकल्याण का यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अंत समय तो बहुत अच्छा, प्रतिमाएं ली, पहले से उनकी प्रतिमाएं थीं दो, फिर पांच की उन्होंने, और अभी 10 प्रतिमाएं ले ली थी, घर का त्याग कर दिया था। ये बुद्धि आप लोगों की अंत समय तक बनी रहे, समाधि की भावना बनी रहे, आप भी समाधि ले सकें। इसलिए आज वर्तमान में पाप छोड़ो, पापी से घृणा छोड़ो, तब जाकर के ये भूमिका धीरे 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 बनती और वहां तक पहुंचती है। समयोचित कार्य करो हे आर्य खंड के मनुष्यों, हे आर्य सम्यक दृष्टि हो, गुणों से युक्त हो। आर्य किसे कहते हैं, जो गुण और गुणवानों से सेवित हो वो आर्य हैं। सम्यक दर्शन आदि गुणों से संपन्न हो उन्हें आर्य पुरुष कहते हैं। ये आपके पास हो सकते हैं, नहीं है तो प्राप्त करिएगा सम्यक दर्शन और अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करिएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यदि आपकी कोई बहुमूल्य चीज कीचड़ में गिर जाए तो आप क्या करते हैं? मतलब सोने की अंगूठी है कीचड़ में गिर गई, आप क्या करेंगे? उठा लेंगे? नहीं, खुद गिर जाएंगे कीचड़ में। लेकिन
उसे नहीं खोने देंगे, क्योंकि आपको मालूम है वो सोने की है, आपको मालूम इसकी कीमत 30,000 है, 20,000 है, कितनी होगी? इतनी ना भैया, मैं तो जानता नहीं, बहुत वर्ष हो गए सब छोड़े, पर मैं इतनी है इसलिए 20,000 25,000। कीचड़ में कोई वस्तु गिर जाती है तो आप तत्काल उठा लेते हैं, क्योंकि उसकी आप कीमत समझते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी मनुष्य पर्याय पंचेंद्र की कीचड़ में, विषयों की कीचड़ में चली गई, उसे क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि कीमती नहीं समझ रहे ना उसको, मनुष्य पर्याय को कीमती। एक अंगूठी की कीमत है आपके पास, तब तो आप कीचड़ में गिरी उठा लिया, पर पंचेंद्र के कीचड़ में, विषयों के कीचड़ में, पाप के पंख में, कीचड़ में यह मनुष्य पर्याय गिर रही है, आप उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, इसलिए उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। एक बार इसकी कीमत तो समझो, कितनी कीमती मनुष्य पर्याय आपको मिली है, ऐसा समय मिला आपको। और मैं तो कहता हूं पंचम काल मिला, लेकिन आचार्य विद्यासर के समय में जन्म लिया, ये स्वर्णम युग चल रहा है। इस स्वर्णम युग में तो कम से कम ऐसा सोचो कि समय इससे अच्छा और कभी आ नहीं सकता। इसमें मुझे जैसे बने वैसे व्रतों को स्वीकार करना है, जैसे बने वैसे आत्मकल्याण करना है, जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं आगे बढ़ूंगा, पापों से बचूंगा, पंचेंद्र की विषयों से बचूंगा, इससे अच्छा पंचम काल में और कोई समय मिलने वाला नहीं। इतिहास उठा करके देख लो, ये स्वर्णम युग चल रहा है आपका भी, भले कोरोना हो, भले किसी प्रकार का हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कहा जाए तो ऐसा गुरु आपको मिला। मैं तो कहता हूँ सोना आपके लिए कीमती है, पर आपका जीवन स्वयं सोना है, वह कीमती आपको क्यों महसूस नहीं हो रहा है? ये आचार्य भगवंत कहना चाहते हैं। सुनो, यहाँ वहाँ की बातें छोड़ दो, कंकड़ो समय पाकर के आत्मकल्याण में प्रवृत्त हो। ये कंकड़ों के माध्यम से, शिल्पकार के माध्यम से आप लोगों के लिए सारी शिक्षाएं गुरु महाराज दे रहे हैं। घृणा किससे करते हो? हमें तुमसे घृणा नहीं है, किसी से घृणा नहीं है, क्योंकि हम पापी से घृणा करते नहीं, पाप से घृणा करते हैं, क्योंकि हमें पाप दूर करना है, पापी को दूर नहीं करना। आप लोग जब कपड़ा रखते हो तो गंदे कपड़े से घृणा करते कि साफ हो जाए तब भी करते हो? कपड़े से घृणा नहीं करते, गंदगी से घृणा करते हो, कपड़ा तो धोकर के फिर उपयोग कर लेते हो। ऐसी कोई पापी व्यक्ति है उससे घृणा मत करो, उसके पाप को दूर करो, बस घृणा दूर हो गई, बात खत्म हो गई, समझ रहे ना? साधु कैसे होते, भले सामने वाला उनको बुरा भला कहे, फिर भी उसको सुधारने का प्रयास करते, अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। महाराज पागल हो गए क्या आप? वो आपको गाली दे रहा, बुरा भला कह रहा, पर भी आप उसको सुधारने की बात करते हो, सुन रहे हैं? हाँ, साधु तो साधु होता है। एक बार एक साधु चला जा रहा था, देखा पानी में एक बिच्छू पड़ा हुआ है, वो उसे उठाते, ये मर ना जाए, ऊपर डंक मार देता, स्वाभाविक हाथ पलट जाता, फिर गिर जाता। ऐसा कई बार हुआ, एक व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, पागलपन है ये तो, ये बार बार डंक मार रहा है, आप बार बचा रहे हो? तो साधु ने कहा उसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव बचाना है, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? जिसका जो स्वभाव है, इसी प्रकार से पापी व्यक्ति को भी सुधारने का भाव धर्मात्माओं के अंदर रहता है, क्योंकि अंदर करुणा रहती है। वो समझते हैं दोष काल को पा करके, द्रव्य क्षेत्र आदि को पा करके आ जाते हैं, लेकिन यदि समुचित समय आ जाए, सम उचित आ जाए, तो समझ लेना फिर वह पाप भी छूट जाया करते हैं, संबोधन के माध्यम से, समझाने के माध्यम से। यूं शिल्पी से कड़वी घूंट सी पीकर, दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं माटी की ओर अब, और माटी स्वाधीनता घुली आंखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती है। कह रहे इस प्रकार से शिल्पी से कड़वी घूंट पी, जैसे दवाई पीते ना आप लोग, क्या पीते हैं आप लोग? दवा पीते ना, कड़वी रहती है, बड़ी मुश्किल से पीते हैं, हाँ? इसी प्रकार से दीनता भरी आंखों से,
कंकड़ निहार रहे हैं माटी की ओर और माटी स्वाधीनता घुली आँखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती है। ये अलग प्रकार की बात है। शिल्पी की जो बातें हैं वह कंकरों को कड़वी लगी दवाई जैसी। बेकंकर दीनता भरी आंखों से माटी को देख रहे हैं और माटी भी स्वतंत्रता भरी आंखों से मुड़कर कंकरों की ओर देख रही है। इस प्रकार से यह कुछ अब और उपदेश चलेगा, लेकिन अभी थोड़ी समझ लें इस बात को। आचार्य कहते हैं दवा दवा है, कड़वी हो या मीठी, स्वस्थ होने के लिए। किसके लिए है? स्वस्थ होने के लिए है। यदि स्वस्थ होना चाहते हो तो आपको दवा तो लेना ही होगी, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। अभी पूर्ण आयु की दवा निकली है ना, सनसमनी बटी और एक चूर्ण काढ़ा काढ़ा, ये दो चीजें, ये आपकी क्षमता बढ़ाने के लिए है। इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ जाएगा तो कोरोना हावी नहीं होगा। कोरोना की दवाई नहीं है पर कोरोना हावी नहीं होगा। सर्दी जुकाम बुखार नहीं आएगा तो कोरोना नहीं आएगा, समझ रहे ना। तो जड़ के लिए है ये, पर वृक्ष के लिए नहीं। जड़ यदि नहीं है तो पर वृक्ष कहाँ से आएगा। इसके लिए उन्होंने तैयार किए, सतीश जी आपको उसका परिचय दे देंगे। इंदौर में बहुत से लोगों को जो हॉस्पिटल में थे उनके लिए ये चीज़ भेजी गई, वो बहुत जल्दी वहाँ से डिस्चार्ज होकर के आ गए। कोरोना के पेशेंट भी, जो बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं डॉक्टर्स वगैरह, वो सब इस चीज़ को ले रहे हैं, वो उन चीज़ से बचे हुए हैं संक्रमण से। तो दवाई कड़वी जरूर होती है लेकिन रोग को दूर करती है। वैसे गुरु के उपदेश भरे कड़वे हों पर हमारे पाप को दूर करने में सक्षम होते हैं, हमारी बुराइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं। सुन रहे ना, मीठा मीठा बहुत खाया, थोड़ा कड़वा भी जरूरी है। क्यों भी डायबिटीज ना हो जाए। डायबिटीज वालों को थोड़ा सा मेथी करेला ये सब देना पड़ता है, लेकिन मिठाई बंद करना पड़ती है। ऐसे आप लोगों को बहुत मीठा मीठा सुनते 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 डायबिटीज हो गई, अब कोई दूसरा थोड़ा कड़वा सुनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ठीक पड़ेगा। और पहले के ज़माने की बात सुनो, पहले कड़वाहट से ही मुंह साफ करते थे, नीम की बबूल की इन दातुन से साफ करते थे। आज मीठा कोल आ गया, कौन सा कोल आ गया, कोलगेट क्या कहलाते वो, कोलगेट वगैरह आ गए, ये सब मीन्स मीठा, बच्चे उसी को खा जाते हैं। ये स्थिति है वो आपकी, क्योंकि आप कड़वाहट से बचना चाहते हैं। यदि कड़वाहट से बचोगे तो आप रोग को समन नहीं कर सकते। पहले कड़वाहट लाओ तब जाकर रसगुल्ले का स्वाद आएगा। आज मीठा पहले रख लेते हो कोलगेट वगैरह तो मीठे का स्वाद ही नहीं आता। सुन रहे हो ना, दातून कड़वी ही होती है, वैसे गुरु के उपदेश कड़वे ही होते हैं लेकिन वह रोग को दूर करते हैं और ये तुम्हारे दोष को दूर करते हैं। गुरु के उपदेश दोष को दूर करते, कड़वे हैं तो क्या हो गया, लेकिन दोष को दूर करने में। ऐसी आप औषधि से घबराइए मत, कड़वी है। वैसे गुरु के उपदेश से घबराइए मत, बल्कि अपने दोष दूर करना हो तो उनके उपदेश लेने की आवश्यकता है। जैसे कि कंकरों को उपदेश शिल्पकार का मिला, वैसे हम सभी कंकरों को गुरु महाराज का उपदेश मिला। कंकर से शंकर बनना है तो गुरु के उपदेश को अपने जीवन में अमल करने की आवश्यकता है। जो अमल करते हैं वह कुछ कर जाते हैं और जो माँ सुनते हैं वह सब यहीं पर पड़े रह जाते हैं, कार्य नहीं कर पाते। इसलिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही, चार बातें हमेशा ध्यान रखना, घृणा प्रेम निंदा प्रशंसा। घृणा पाप से करो पापी से नहीं, प्रेम वस्तु और पदार्थ से नहीं व्यक्ति और धर्मात्मा से करो, निंदा दूसरों की नहीं स्वयं की करो, प्रशंसा अपनी नहीं दूसरों की करो।
ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें धर्म मार्ग पर लाने वाली हैं। इन बातों को हम छोटी छोटी समझ करके इग्नोर ना करें, गौण ना करें, उन्हें अमल में लाने का प्रयास करें, तभी कल्याण हो सकता है। बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में पापी को घृणा की दृष्टि से ना देखें, बल्कि जो अपने अंदर पाप हैं उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकें। नमो श्री भगवान, नमो श्री भगवान। भावों की निर्मल